हे गाइस, वेलकम टू अवर ऑन टेक्नोलॉजी चैनल। आपको दिक्कत आ रही, आप जो ऑर्डर लगा रहे हो वो रिजेक्ट हो जा रहा है, तो गाइस मैं आपको चार वैलिड रीजन बताऊंगा। अगर वो चीजें आपके साथ हो रही है तो आपका शेयर जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स भी जरूर करना अगर कोई और दिक्कत हो तो। देखिए गाइस, पहला रीजन जानते हैं कि शेयर क्यों रिजेक्ट होता है। जैसे कि सपोज अगर आप मंडे को ऑर्डर करते हो, ठीक है, और आप मंडे को उसको सेल करना चाहते हो, तो वो मंडे को सेल नहीं होगा। सीबी रूल्स के अकॉर्डिंग टी बाई टू से आप 2 दिन बाद उसको सेल कर सकते हो। ये अगर गाइस कोई खरीदने वाला आपको मिलेगा ही नहीं तो आप बेचोगे किससे, तो इससे ऑर्डर रिजेक्ट हो सकता है। क्योंकि एंजल वन एप्लीकेशन जो होता है वो ब्रोकरेज का काम करता है, दलाल का काम करता है, शेयर खरीदना और बेचना। जब आप शेयर खरीदते हो और बेचते हो तो दोनों के बीच में बेचने वाला भी और खरीदने वाला भी होना चाहिए, तो इस वजह से ऑर्डर जो होता है रिजेक्ट हो जाता है। ये मोस्टली डिलीवरी शेयर के अंदर होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज में आता है। अब जानते हैं कि दूसरा रीजन क्या है। जैसे कि गाइस देखिए, एंजल वन के अंदर लिमिट्स होती है कितनी क्वांटिटी में आप प्रोडक्ट जो है, मतलब ऑर्डर जो है लगाते हो। अब मान लो कि आपकी लिमिट है 50,000 की और आप भाई 50 लाख के मतलब ऑर्डर कर रहे हो एक साथ, तो वो नहीं होगा। उस कंडीशन में जो होता है आपका रिजेक्ट हो जाएगा ऑर्डर। फिर थर्ड रीजन क्या होता है गाइस, जैसे सपोज के आपके डीमेट अकाउंट में पड़े हुए है 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए पड़े हुए, तो आपको 90 रुपए का शेयर कोई ऑर्डर लगाना है, बाय करना है, तो इस कंडीशन में अगर आप 95 रुपीज या 98 रुपीज का शेयर खरीदोगे तो वो ऑर्डर कैंसिल हो सकता है बाई चांस। क्योंकि जो आपके डीमेट अकाउंट में पैसा रहता है वो आपको शेयर खरीदने के बाद 20% रहना चाहिए उसमें, क्योंकि आफ्टर खरीदने के बाद, सेल करने के बाद जो ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं वो डीमेट अकाउंट से कट सकते हैं। तो इस कंडीशन में एंजल वन एप्लीकेशन जो है अमाउंट एक्सेप्ट नहीं करता है और ऑर्डर कैंसिल कर देता है। तो डीमेट अकाउंट के अंदर आप अमाउंट ज्यादा रखा करो जब शेयर बाय करो, तो मतलब कुछ पैसा बैकअप में रखा करो। और चौथा एंड लास्ट रीजन ये होता है गाइस कि आपका जो पैन कार्ड, अगर आप कुछ अपडेट करवाते हो, बैंक या नंबर वगैरह अपडेट करवाते हो, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को अपडेट करवाते हो, तो वो एरर आ सकती है कि हो सकता है कि आपने कुछ चेंज कराओ डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो वो एरर आ सकती है एंजल वन के अंदर, जिससे कि ऑर्डर रिजेक्ट हो सकता है। ये चारों प्रॉब्लम फेस कर सकते हो आप। अगर आपको और सॉल्यूशन चाहिए तो मैंने आई बटन के अंदर आप कस्टमर केयर से बात करके सॉल्यूशन पा सकते हो, उनसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हो। आई बटन पर मैंने वीडियो दे दी है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना।